नेक्स्ट वीडियो आज हम बात करेंगे, एंड मैं अगेन ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। अगेन एक डांसिंग वीडियो है और मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ बिकॉज ये वेडिंग सीजन है और आई जस्ट वॉन्ट कि हर कोई अपनी फैमिली या फंक्शन जो भी है उसमें डांस करे, खुश रहे। एंड बहुत बार ही ऐसा होता है, मैंने देखा है लोगों को जब कोई उन्हें खींचता है वो बस मना कर देते हैं, नहीं भाई हमसे नहीं होगा, और स्टैचू बन जाते हैं, डरने लगते हैं। प्लीज डरिए मत, इस वीडियो के थ्रू आई जस्ट वांट टू हेल्प यू गाइस एंड आई जस्ट वांट कि हर कोई डांस करे। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए मैंने थॉट में रख के बनाई है जो बिल्कुल नॉन डांसर्स है और बहुत डर लगता है डांसिंग से या कुछ, तो प्लीज डरिए मत। मैं यहाँ पर आई होप आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकूँ। दिस इज वेरी इजी, जो भी मैं स्टेप्स आपको बताऊंगी वो बहुत इजी है। डांस वही रुक जाता है जब हम सोचने लगते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। डांस कैन लाइफ ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल विल थिंक अबाउट योर से। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको पंजाबी और मेनली मैं आपको बॉलीवुड और पंजाबी स्टेप सिखाऊंगी क्योंकि वो स्टेप सबसे ज्यादा हम करते हैं वेडिंग्स में। इंडियन वेडिंग्स में सबसे ज्यादा बॉलीवुड सॉन्ग या पंजाबी गाने चलते हैं, तो आई होप कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई इन स्टेप से अपना एक यू नो डांस कर सके बिना किसी टेंशन के। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग बट आई जस्ट होप कि मैं मेरी बातें समझ में आ रही हूँ। तो यार लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे क्लासिक बॉलीवुड स्टेप्स से और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिक बॉलीवुड का एक बाउंस करेंगे जिसके साथ हम इतने स्टेप्स बना सकते हैं। हे गाइस, तो हम सबसे बेसिक उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैर बस ऊंचा लेके जाना है और हल्का आगे बस पुश करना है। ये तो ये अपना फुटवर्क है। मैं हर एक स्टेप के आपको फुटवर्क पहले बता रही हूँ अच्छे से ताकि आप फिर उस पर हैंड मूवमेंट इजीली ऐड कर दें और वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे। तो फुटवर्क के लिए बस बाउंस करना है और आपका लेफ्ट पैर जब ऊपर बाउंस कर रहा है तो आपका राइट उसे सपोर्ट करके हल्का सा बाउंस करेगा। ये 1 2 3 4 राइट, 1 2 3 4। बेसिक जो मैं टिप दूंगी इसकी वो ये है कि आप अपने टो पे जंप करें। टो पे इजी रहता है, आपको पूरा पैर नीचे रख के ऊपर आप ले जाओगे तो आपको ज्यादा अपना मतलब वो इतना क्लीन नीट और स्मूथ नहीं दिखेगा। 1 2 3 4 तो ये बेसिक है, इससे बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए। ये बहुत यूज होता है बॉलीवुड में बहुत ज्यादा। ओके सो आफ्टर दैट अब मैं इसके साथ आपको हैंड मूवमेंट कैसे कोऑर्डिनेट करने हैं वो दिखाती हूँ। सबसे ज्यादा मैं करती हूँ वो ये है, ऐसे आप अपने राइट साइड वाले शोल्डर को आगे पीछे करके लाएंगे, आगे 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 आगे, लेफ्ट साइड पे झुकिए क्योंकि हम लेफ्ट से बाउंस कर रहे हैं, और हाथ को ये मुट्ठी बना लीजिए, कुछ भी ऐसे भी कर सकते हैं आप, मुट्ठी बना लीजिए वो ज्यादा अच्छा लगता है, और ऐसे ऐसे पुश करेंगे और हमारे पैर का मूवमेंट सेम रहेगा। 1 2 3 4 जब आपका लेफ्ट पैर ऊपर जाएगा तब आपका राइट शोल्डर आगे आएगा। सेकेंड स्टेप सेम फुटवर्क, मैं सेम फुटवर्क के साथ आपको स्टेप्स बता रही हूँ। तो अब ये सेकेंड स्टेप के लिए सेम आपका फुटवर्क सेम है, 1 2 3 4 बस सेम फुटवर्क आपका सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब मैं बस ये आपको दिखा रहा हूँ कितने सारे आप हाथ के मूवमेंट्स इसके साथ कर सकते हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब एक पतंग वाले मूवमेंट के लिए कुछ नहीं, आपको अपना लेफ्ट पहले आगे लेके जाना है फिर राइट और ऐसे आगे पीछे करते जाना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। और जो ये वाला मूवमेंट है इसके लिए पहले नीचे दो बार हाथ राइट साइड पे जाएंगे और फिर ऊपर। ये जो हमारी बाउंस है उससे एक और स्टेप हम ये कर सकते हैं, भांगड़े का बहुत फेमस स्टेप है तो हम इसको कर सकते हैं सेम बॉलीवुड के सेम फुटवर्क से। वो कैसे, 1 2 3 4 सेम जो हमारा चल रहा है अब तक उसके साथ बस ये बनाया, टिंगलिंग ये बनाया, 1 2 3 4। बहुत सारे स्टेप आपके सेम ही फुटवर्क से हो सकते हैं तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बस एक फुटवर्क आपने सीखा एटलीस्ट आप
जैसे मैंने किया, चार पांच स्टेप तो निकाल ही सकते हो। दूसरा सबसे क्लासिक है वो है बॉलीवुड की क्लासिक वॉक, फुटवर्क है, अगेन उस पर फोकस करते हैं। इसके लिए आप बस आगे जा रहे हैं, फिर उसके बाद एक बार बाउंस करेंगे, एक पैर रखा और बाउंस, दूसरा पैर रखा और बाउंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोबारा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अब इसके साथ हमारा फेमस बस कुछ नहीं है। आप इसको आगे, जब आपका लेफ्ट फुट आगे है राइट हैंड ऊपर होगा, जब आपका घूम के राइट फुट आगे है तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, फिर दोबारा। अब इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे तो वही हो जाएगा। ये स्टेप बहुत कॉमन है, आप हमेशा इसे कर सकते हो, जितना मर्जी चाहे कभी बोरिंग नहीं हो सकता, बिकॉज ये बहुत क्लासिक स्टेप है बॉलीवुड में। तो जब भी आपको स्टेप नहीं पता, बस ऐसे ऐसे करते रहिए, आराम से अपने प्लेस पे कर सकते हो आप, या फिर आप चल के कर सकते हो, किसी के साथ डांस करते करते देखते हो ऐसे कर सकते हो, बहुत इजी स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप जो बहुत कॉमन है और हम लोग, मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, जस्ट लव गोविंदा सर, हिज डांस इज अमेजिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं उनका स्टाइल, उनका एक स्टेप बहुत फेमस है जो जो मैंने वॉक बताई थी उसे करना है, पर थोड़े अलग एटीट्यूड के साथ ना, उसे रुक रुक के सर हिला हिला के आराम से एकदम। गोविंदा सर के स्टेप्स के जो फुटवर्क है उनको दोबारा देखते हैं, उसमें भी कुछ नहीं, आपको सेम है, जहाँ पैर रखते हैं बस एक बाउंस करके पीछे छोड़ना और कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 अब हाथ का मूवमेंट जो होता है वो बड़ा मजेदार होता है। आपने अपना लेफ्ट हैंड आगे लेफ्ट हैंड आगे रखा एंड राइट को नीचे लेके गए, घुमा के ऊपर लेके गए, सर के पीछे लेके आए और फिर दोबारा इधर, ये तो अब हम इसको पैर के मुंह में सर करते हैं और आप अपना सर हल्का हल्का घुमा सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में ज्यादा आगे नहीं हूँ मैं, आउट ऑफ फोकस से नहीं होगी। 2 उनका एक ये जो आप ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा अपना सर जरूर मूव करें जब भी आप गोविंदा सर का डांस करें। ये जो मैंने आपको स्टेप बताया था ये वाला, ये आप बहुत सारे सॉन्ग्स पे कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपने में मिलती है तो उसका म्यूजिक ऐसे करते चलता है, तो उसमें आप कर सकते हो और ये भी कर सकते हो आप। अब ये नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, ये साइड स्टेप है, इसे हमें थोड़ा साइड में करना है, तो उसके लिए आप पहले थोड़ा बैंड होके लेफ्ट साइड पे अपना हिप एक बार, मेरी लेफ्ट साइड की कमर चल दिया, अगर आपकी राइट चल दिया तो आप उधर करिए, मेरी लेफ्ट बहुत चल दिया, तो 1 2 3 4 बेसिकली एक ऐसा टेढ़ा वी बनाना है हमें, 1 2 3 4 और हाथ का मूवमेंट देते हैं, पहले इसको थोड़ा फास्ट करने लगेंगे, कुछ नहीं करना आपको, बस एक वी बनाना है। अब हम हाथ का मूवमेंट देखते हैं, हाथ ऐसे आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ऐसे भी आप डायरेक्ट यू भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे मतलब इसमें आपको टर्न नहीं करना पड़ रहा, बट आप इसको टर्न करके भी कर सकते हो। ऑलराइट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका एक और स्टेप है जो हम कर सकते हैं, वो ये है, हमने बस लेफ्ट अपना हाथ आगे किया, राइट अपना इधर किया, 1 पुश कर रहे हैं हम अपने चेस्ट के एरिया पे, ऐसे बस कुछ नहीं, ऐसे हमें पुश करना है और हम ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें तो आपको कुछ बाउंस भी नहीं करना पड़ा, बस आपको अपने हिप्स चलाने हैं, एक साइड पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 1 2 3 4 जितना फोर्स से आप करेंगे आप उतना मजा आएगा। वो भी सॉन्ग पे आप कर सकते हैं,
अब कुछ ग्रूमिंग स्टेप्स जो हम कर सकते हैं, बस कुछ नहीं, आपको आप जिस साइड जा रहे हो आपका उस साइड पैर आपको फॉलो करके रुक जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे देखा कितने सारे स्टेप आप सेम फुट पर के साथ कर सकते हैं। ये इतने सारे क्लासिक बॉलीवुड स्टेप हो गए। आपको बस सॉन्ग के अकॉर्डिंग अपना हैंड का मूवमेंट चेंज करना है। जैसे कोई भी सेम आपका पैर का मूवमेंट चल रहा है, आंखों का कोई बात आ गई तो बस कुछ नहीं, ये हो गया आपका आंखों का, बालों की बात आ गई तो बालों का हो गया, लाइक कुछ भी, कोई भी आपको अपने अकॉर्डिंग फिर उसको आप जैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। इस किसी भी स्टेप को आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए पैर के स्टेप्स। या आई थिंक इतने ये स्टेप्स काफी हैं। मैं आपको कुछ जो फेमस अभी गाने चल रहे हैं वो बता देती हूँ, ताकि जस्ट इन केस कोई एकदम से गाना आ गया आपके दिमाग में कोई स्टेप नहीं पता तो थोड़ा बहुत हो सकता है। उनके सिग्नेचर स्टेप जिन्हें हम बोलते हैं, जो जिसको किसी गाने को उस स्टेप से हम जिसे याद करते हैं, जैसे अब कजरारे का ये सिग्नेचर स्टेप है ऐसे। तो अभी जो गाने चल रहे हैं उनके मैं आपको थोड़े बहुत सिग्नेचर स्टेप बता सकती हूँ। जैसे कि एक है दिल चोरी साडा, तो उसमें आप देखना फुटवर्क मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ आप कैसे स्टेप बना सकते हो। ये बस आपका उल्टी साइड का बाउंस है, इसमें कर सकते हो दिल चोरी साडा हो गया की करिए, ऑलराइट। आपने ये बाउंस वाला मैंने जो ऑलरेडी बताया था वही है, इसमें बस साइड में बाउंस है। राइट पैर से स्टार्ट किया 1 2 3 4 दिल चोरी साडा हो गया की करिए की करिए। ओके नेक्स्ट जो अभी बहुत फेमस चल रहा है वो हाई रेटेड गबरू नया वाला, तो उसमें आप हाय हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू न मारे, ये वही स्टेप हो गया जो मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको हाई रेटेड गबरू हाय मुंडे पागल हो गए। इसके लिए क्या करना है, हल्का सा लेफ्ट, आपने पहले राइट पे जम किया उसको लेफ्ट पे जाके फॉलो करके रोक दिया, यहाँ जम किया इसके बगल पे रोक दिया पागल हो गए तेरे लगने वाले सेम। तो आप बहुत सारे स्टेप्स बना सकते हो बहुत सारे सिंपल फुटवर्क्स के साथ। अब तो यही सारे स्टेप है, जैसे नी मैं वो टिका लग के तेरे नाल नचना नी मैं वो टिका लग के तेरे नाल नचना। तो हम कैसे भी कोई भी गाने पे इन स्टेप्स को कंबाइन करके आप एक डांस बना सकते हो, या सडनली अगर आपको कोई उठा सकता है तो आप स्टैचू नहीं बनोगे। आई होप आप कोई ना कोई स्टेप करते रहोगे। थोड़ा बहुत मैं आपको पंजाबी स्टेप सिखाती हूँ। अगर आपने मेरी भांगड़ा की वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने 4 वीडियोस बनाई हुई है भांगड़ा के ऊपर, आप वो भी देख सकते हो, पर वो थोड़ी हार्ड लेवल पे है। हल्का सा अगर आप बिल्कुल भी डांसिंग नहीं करते तो थोड़ा आपको टफ लगेगा। तो बेसिकली वेडिंग डांस के लिए थोड़ा बहुत भांगड़ा अगर आपको सीखना है तो आप यही वीडियो देखिए। तो हम इसमें देखते हैं कैसे हम थोड़ा बहुत भांगड़ा या फिर थोड़ा पंजाबी डांस आप कह सकते हो वो करेंगे। तो हम बस 1 2 हम जो सेम स्टेप कर रहे थे अब बस उसमें हल्का सा जंप डाल देंगे, जंप सेम स्टेप कर रहे थे उसमें हल्का सा जंप। एंड प्लीज ट्राई करिए कि आप लेफ्ट से स्टार्ट करें क्योंकि भांगड़ा लेफ्ट से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप चाहो तो क्रॉस करके भी कर सकते हो, बट देन वो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो, तो इसलिए सिर्फ साइड में जाके आप उसे छोड़ सकते हैं एंड आगे साइड पे दोबारा कर सकते हैं थोड़ा जंप लेके। और साथ ही साथ शोल्डर्स भी आपके मूव होंगे क्योंकि पंजाबी डांस तो शोल्डर्स के बिना कुछ है नहीं। आई एम वेयरिंग सच अ लूज टॉप आई जस्ट रियलाइज एनीवे या सो ऑलराइट सो हम फिर से जाते हैं। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंड के मोमेंट कुछ नहीं, ये मत करिए भांगड़ा में, या तो आप पूरा हाथ खोला करिए या आप ये वेरी गुड वाला साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका ये एक भांगड़ा स्टेप हो गया। अब एक और इजी आपको भांगड़ा स्टेप मैं बता सकती हूँ, वो और भी इजी है, इससे भी इजी, वो कुछ नहीं है, आपको बस
हल्का बैंड करना है और बस ये चलाते जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ये बहुत इजी स्टेप है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है क्योंकि इसको हर कोई कर सकता है. बिल्कुल डरने की बात नहीं है. लगे तुम पैग वाले तो उसमें नहीं कर सकते पैग बंगड़े गड्डी तुझे की खोल के. लाइक बहुत इजी है ये स्टेप. कुछ नहीं, बस आपको आगे पीछे शोल्डर करने है, ये बनाना है. ऑलराइट, या ये भी आप कर सकते हो या ये भी आप कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस. ऐसे 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 या ऐसे 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 ऐसे. तो ये बहुत इजी स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं. आप इनको कंबाइन कर सकते हो. पगड़े के बहुत सारे स्टेप हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा पंजाबी स्टेप्स नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे भांगड़े के स्टेप्स एक्चुअल में बता रखे हैं. आई एम प्रीटी श्योर मैं 30 के आसपास स्टेप्स आपको बता रखे हैं इस चैनल पे. तो अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप देख सकते हो, मैं नीचे उनकी लिंक्स दे दूंगी. हे गाइस, तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. आई होप इस बार अगर कोई एकदम से आपको खींचता है डांस के लिए तो आप ऐसे बस स्टैचू बन के नहीं खड़े होगे. एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि ये वीडियो 19 से पहले आ जाए. अभी मैंने आज 17 है और ये रिकॉर्ड किया है ताकि आप कोई ना कोई स्टेप कर सको बिकॉज 19 को बहुत सारी शादियां हैं. तो आई होप आप इस बार डरोगे नहीं. जस्ट बी हैप्पी एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू. बट क्या ये कुछ बेसिक एकदम नॉन डांसर्स जो हैं मेरे अमेजिंग नॉन डांसर्स जिन्हें डांस बिल्कुल ही नहीं करते हैं जो, एंड आई होप उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी. दिस इज इवन बिलो लोअर बिगनर्स लेवल आई वुड से. लाइक बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टेप्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं ताकि हर कोई ये शादी सीजन इन्जॉय कर सके और डरे नहीं, बस खुश रहे, इन्जॉय करे. दैट्स माई मेन गोल. आई होप आप इस बार अच्छे से डांस करोगे, खुश रहोगे, इन्जॉय करोगे जिसकी भी आप शादी में जा रहे हो. एंड या आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. आई लव यू गाइज सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बिल्कुल फ्री है. और मैं बस चाहती हूँ जल्दी से इस ईयर में 30,000 सब्सक्राइबर्स तो गेन कर ही लूँ. आई थिंक आई विल, बट या आई एम जस्ट ट्राइंग. सो प्लीज़ 30,000 रीच करने में हेल्प करिए. अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वो बिल्कुल फ्री है. साइड में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए क्योंकि जब भी मैं आपके लिए नई वीडियोज लेके आऊँगी तो आपको पता चल जाएंगी. तो या आई लव यू गाइज सो मच. आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्प्रेड लव, लव, पीस एंड सत श्री अकाल. बाय.